नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। मिनीषा लांबा का जन्म 18 जनवरी 1985 को दिल्ली में हुआ। दिल्ली से मिनीषा के पिता केवल लांबा की पोस्टिंग चेन्नई में हो गई और यहीं चेतिनन विद्या आश्रम में मिनीषा लांबा ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। मिनीषा लांबा जब वापस दिल्ली आई तो उनके मन में यही सवाल था कि भैया दिल्ली तो आ गए लेकिन अब करें तो करें क्या। मिनीषा लांबा शुरू से ही जर्नलिस्ट बनना चाहती थीं, सो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज को चुना और वहां इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट लिया। मिनीषा लांबा की जर्नलिज्म की पढ़ाई ठीक ही चल रही थी, लेकिन साथ ही वो शौकिया मॉडलिंग भी किया करती थीं। उन्हीं दिनों मिनीषा लांबा ने कैडबरी जैसे मशहूर ब्रांड के एड में काम किया। इस एड फिल्म में मिनीषा लांबा का रोल सिर्फ चंद सेकंड्स का ही था, लेकिन इन चंद सेकंड्स में मिनीषा लांबा ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि जल्द ही मॉडलिंग जगत में इस नए चेहरे की चर्चा शुरू हो गई। ऐसे ही एक दिन मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म मेकर सुजीत सरकार से हो गई। बस यहीं से मिनीषा लांबा की किस्मत की गाड़ी पटरी पर आ गई। अरे हाँ दोस्तों, इसी बात पर एक शेर याद आ गया। मैंने कहा खुदा से, क्या खूब दोस्त मिले हैं, क्या खूब मैंने किस्मत पाई है। खुदा ने हंसकर कहा, संभाल कर रख पगले, ये मेरी पसंद है जो तेरे हिस्से आई है। मिनीषा लांबा को बॉलीवुड निर्देशक सुजीत सरकार ने अपनी फिल्म यहाँ के लिए बतौर लीड एक्ट्रेस चुना। फिल्म में उनके ऑपोजिट जिमी शेरगिल थे। हालांकि फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स ने मिनीषा के अभिनय को काफी सराहा। अब बॉलीवुड ने मिनीषा के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और मिनीषा लांबा परमानेंटली दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गईं। उन्हीं दिनों खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। फिल्म चांदनी बार और पेज 3 के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने अपनी फिल्म में नई लड़की मिनीषा लांबा को साइन किया है। सबको ये लगा कि ये एक लीड रोल होगा, लेकिन वो एक सेकेंड लीड था। फिल्म का सारा क्रेडिट बिपाशा बसु और मधुर भंडारकर को मिला। फिल्म में मिनीषा कहीं गुमसी हो गईं। अच्छा दोस्तों, ये जो फिल्मी कीड़ा होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। जिसको काट जाए या तो उसकी जिंदगी संवर जाती है या ऐसी डूबती है कि बस पूछो मत। अब एक और कहानी लीजिए। संजय खान के बेटे जायद खान फिल्म मैं हूं ना से लॉन्च हो चुके थे और मल्टी हीरो वाली कई फिल्में उनकी झोली में थी। अब जायद खान को कीड़े ने काटा कि भैया मैं भी फिल्मों में हीरो बन के आऊं, सोलो हीरो। अब जायद खान पहली बार सोलो हीरो रॉकी द रिबेल में लीड रोल में नजर आने वाले थे। तो दिक्कत ये पेश आई कि इस नए लड़के की हीरोइन बने तो बने कौन, क्योंकि जायद खान की कोई मार्केट वैल्यू तो थी नहीं। अगर कहीं फिल्म पिट गई तो हीरोइन का करियर भी स्वाहा हो गया समझो। जायद खान तो फिल्मी परिवार के हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हीरोइन का करियर बिगड़ जाएगा। कई हीरोइनों ने साथ में काम करने से मना कर दिया, लेकिन मिनीषा लांबा ने रिस्क लिया और ये रिस्क उनको बहुत महंगा पड़ा। तकरीबन 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। इस फिल्म में मिनीषा के हिस्से 4-5 लव सीन्स और गाने ही आए। अच्छा दोस्तों, एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए। दरअसल उन दिनों मिनीषा लांबा की किस्मत ने उनके साथ ऐसा धोखा किया कि बस पूछिए मत। मिनीषा का कंपैरिजन हमेशा उनकी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस प्रीति जिंटा से हमेशा होता था। हवा ये हो गई थी कि अगर कोई प्रीति जिंटा को अप्रोच नहीं कर पा रहा है तो भैया मिनीषा को ही ले लेते हैं। इस कंपैरिजन ने मिनीषा को काफी नुकसान पहुंचाया और उनकी मार्केट वैल्यू को भी डाउन किया। अब एक और फिल्म आई, इमरान खान के साथ किडनैप। इमरान खान अपनी डेब्यू फिल्म जाने तू या जाने ना से बॉलीवुड में धमाल मचा चुके थे। किडनैप की बड़ी पब्लिसिटी हुई, मार्केटिंग भी बड़ी जोरों से हुई। फिल्म में मिनीषा लांबा काफी हॉट अवतार में नजर आई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई एकदम फुस पटाका साबित हुई। तो भैया मिनीषा को समझ आ चुका था कि ये बॉलीवुड है और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पत्ते जरा ठीक से खेलने पड़ेंगे। तो मिनीषा को लगा कि अब अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए जो उनकी एक्टिंग को थोड़ा तराशें, और मिनीषा की ये मेहनत सफल भी हुई। इसके बाद मिनीषा की झोली में रीमा कागती की हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड आई, जिसमें शबाना आजमी, बोमन ईरानी जैसे दिग्गज कलाकार थे।
और फिर आई साल 2008 में यशराज फिल्म्स की बचना ए हसीनो। इस फिल्म में रणबीर कपूर और मिनीषा लांबा की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इस फिल्म के सुपरहिट होते ही एक बार फिर मिनीषा लांबा रेस में वापस आ गईं। उसके बाद आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा। दोस्तों, इस फिल्म में मिनीषा लीड रोल में थी। वेल डन अब्बा को कांस फिल्म फेस्टिवल में काफी तारीफ मिली और भारत में भी इस फिल्म को काफी सराहा गया। लेकिन दोस्तों, हम मिनीषा लांबा के करियर को यहीं तक याद रखना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद मिनीषा लांबा ने जो फिल्में की, या हम कहेंगे कि क्यों की, उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। वो ऐसी फिल्में नहीं हैं जिसमें मिनीषा लांबा जैसी प्रीटी हीरोइन के लिए कुछ करने के लिए था। ना तो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई और ना ही मिनीषा के काम की कोई तारीफ हुई। इसके बाद मिनीषा लांबा बिग बॉस और कुछ टीवी सीरियल्स में भी नजर आईं, लेकिन जैसा जादू उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में बिखेरा था, वैसा जादू दोबारा नजर नहीं आया।